श्री भगवान ने अतीत में कभी एक सीधी सरल कहानी कही है। कहते हैं किसी मालिक के घर में एक गाय भी रहती थी और एक भेड़ भी। मालिक भेड़ और उसके बच्चे मेंढे को बड़ा तरोताजा खाना खिलाया करता। हृष्ट और पुष्ट भोजन खिलाया करता और न केवल भोजन खिलाता वरन गाय के दूध को भी पिलाता, अच्छा पकवान देता। घर का बचा हुआ सारा भोजन भी उसी मेमने को, उसी मेंढे को खिला दिया जाता था, जबकि गाय को खाने के लिए केवल सूखी घास मिलती थी। कभी कभार अगर मालिक की दुआ हो गई तो हरी घास खाने को मिल जाती, बाकी तो सूखी घास मिल जाती, गाय दूध देती। और इस तरह से दिन गुजर रहे थे। एक दिन गाय के बछड़े ने अपनी माँ से कहा कि माते, ये अपना मालिक भी कैसा मालिक है, तुझे तो खिलाता है केवल घास जबकि तू उल्टे वापस लौटाती है दूध, लेकिन ये भेड़ और उसका मेमना, उसका मेंढा मालिक के द्वारा माल पर माल खिलाया जाता है लेकिन इसके बदले में वह उन्हें कुछ नहीं देता। मालिक न जाने अपन दोनों के बीच में ये दुर्व्यवहार क्यों करता है। और फिर मां, तुझे सूखी घास देता है, तुझे दूहता है, मेरे लिए भी दूध नहीं छोड़ता, केवल पाव आध किलो दूध जो तू अपने आंचल में मेरे लिए खींच कर रख लेती है वो दूध ही मेरे हिस्से में आता है, बाकी तो मेरे वो भी हिस्से में नहीं आता। मां, ये अपना मालिक ठीक नहीं है। गाय मुस्कुराई और अपने बच्चे बछड़े से कहा कि बेटा, दूसरों की बढ़ती को देखकर जलना नहीं चाहिए, उनको जो माल खाने को मिलता है उसे देखकर तू इस तरह से विचार मत कर कि मालिक खराब है। तू नहीं जानता बेटा वक्त कब किसका खराब आता है और कब किसको क्या परिणाम भुगतना पड़ता है। अपने को जो सूखी घास खाने को मिलती है अपन तो उसी में ही राजी हैं और मालिक को बदले में, उस घास के बदले में दूध लौटा दिया करते हैं। पर गाय का बछड़ा मां के तर्क से संतुष्ट न हुआ। रोजाना अपने सामने मेमने को माल खाते देखता तो उसका मन बड़ा जलता कि यह मालिक बड़ा खराब आदमी है, अपने को केवल घास देता है, उसको माल पर माल, माल पर माल खिलाता रहता है, और ये मेमना भी मालिक को देखकर, देखो उसकी पीठ से कैसा सहला रहा है, मालिक भी उसको कितना प्यार दे रहा है। और यूं कहते हैं कि यूं दिन पर दिन बीतते जाते हैं। करीब 2-3 महीने बीतते होंगे कि अचानक गाय का बछड़ा देखता है कि मालिक एक लंबा छुरा लेकर के बाड़े में आया है और सीधा अंदर आते ही मेमने को उसने पकड़ा, नीचे पटका, अपना घुटना उसकी छाती पर रखा और झट से एक के दो टुकड़े कर डाले। गाय का बछड़ा हिल गया, बोले मां मां, अरे ये क्या हो गया, मां मुझे बचाओ, ये क्या हो रहा है, मालिक सबको मार रहा है। गाय ने कहा, बेटा तू मत घबरा, जो आदमी, जो प्राणी सादगी से अपना भोजन किया करते हैं उन्हें कभी भी अपनी जिंदगी में भयभीत होने की
जरूरत नहीं होती, लेकिन जो माल पर माल खाते रहते हैं, याद रखना चाहिए कि मालिक अगर किसी को माल खिला रहा है तो उसका कोई ना कोई प्रयोजन और उद्देश्य तो अवश्य होगा। माँ, बेटा सीधा माँ के आंचल में छिप गया कि माँ मुझे डर लग रहा है, माँ ने प्यार से अपनी जीभ उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, बेटा तू मत घबरा, तुझे कोई खतरा नहीं है, सादगी से जो जीते हैं, संयम से जो जीते हैं और सादगी में ही जो संतुष्ट रहा करते हैं, उन्हें कभी किसी चीज का खतरा नहीं होता। श्री भगवान ने अतीत में एक छोटी सी कहानी उत्तराध्ययन सूत्र के द्वारा अपन सब लोगों को दी थी, लेकिन यह सीधी सरल कहानी मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि हर किसी व्यक्ति को संयम और सादगी से जीना चाहिए। जो लोग ज्यादा प्रबुद्ध होते हैं वो सादगी से जीते हैं, और जो कम अकल के होते हैं वो अपने आप को सजा धजा कर ज्यादा बना ठना करके रखा करते हैं, ज्यादा शरीर का श्रृंगार करके ज्यादा पौष्टिक आहार लेने वाले लोग या तो राजकुल के लोग होते हैं, राजघराने में पैदा होने वाले लोग होते हैं, जो खूब गहना पहनते हैं, खूब महंगे से महंगे वस्त्र पहनते हैं और खूब राजसिक भोजन का उपभोग किया करते हैं, और या फिर कम अक्ल वाले लोग कि जिनमें दिमाग नहीं है और जो समझते हैं कि खाने पीने के लिए ही अपन पैदा हुए हैं, ऐश आराम करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है, तो वे लोग खूब खाते हैं, छक्के खाते हैं, दिन भर खाते रहते हैं, काया को सजाते रहते हैं, और इस तरह से सादगी को अपने जीवन से हटा करके केवल एक आर्टिफिशियल, एक कृत्रिम जीवन के मालिक बन जाते हैं। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं होता और संयम से बढ़कर के कोई धर्म नहीं होता। माना कि कोई काला व्यक्ति भी अपने चेहरे पर पाउडर और क्रीम लगा करके 2 घंटे के लिए तो अपने आप को गोरा दिखा सकता है, पर आखिर काम तो वही आएगा ना जो तुम्हारा ओरिजिनल रूप है, जो हमारी वास्तविकताएं हैं, आखिर काम तो वही आएंगी। माना एक लड़की शादी होने से पहले अगर उस बारात में जानी है या उसके फेरे होने हैं तो उस दिन वो स्पेशली किसी ब्यूटी पार्लर में जाएगी, 2000 रुपया खर्च करेगी और बन ठन करके आ जाएगी। ठीक है भाई, तुम 2 दिन के लिए अपने आप को बना ठना करके थोड़ा आकर्षक रूप में दिखा दो, पर 3रे दिन तो पति के सामने वही रूप तो आएगा जो हमारा वास्तविक रूप हुआ करता है। तो समझदार आदमी ये भली भांति जानता है कि आदमी का दिखाओ रूप कुछ और होता है और वास्तविकता कुछ और हुआ करती है। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति, जो प्राणी सादगी से जीते हैं उन्हें कहीं कोई खतरा नहीं होता। मेरी भाभी थी, वो भाभी रोजाना नई साड़ियां पहनती, रोजाना नए गहनों के सेट पहना करती, लोगों की नजरों में आ गई और आखिर लुटेरों ने उसका मर्डर कर डाला, उसकी हत्या कर डाली। वहीं अगर कोई व्यक्ति सादगी से जीता है, सादगी से रहता है, उस आदमी पर कोई भी अपनी गलत नजर नहीं डालता, उस पर कोई भी अपनी गलत नजर नहीं डाला करता। जीवन का यह सत्य है, व्यक्ति को सादगी से जीना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। तो ये गौ माता और बछड़े की कहानी अपन लोगों को जीवन में संयम और सादगी से जीने की प्रेरणा देती है, और बताती है यह कहानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में पहला संयम जो अपनाना चाहिए वो है आहार संयम। पहला संयम कौन सा? आहार संयम। क्योंकि
आदमी की रूटीन लाइफ में, उसकी प्रैक्टिकल लाइफ में अगर दिन भर उसका कोई भी उपभोग होता है तो ज्यादा से ज्यादा खान पीन का ही उपभोग हुआ करता है। इसलिए आहार पर पहला उसका अंकुश हो जाना चाहिए। जिस आदमी के खान पान का पता नहीं होता, उस आदमी के खानदान का भी कोई पता नहीं हुआ करता। खानदान का अगर पता करना है तो खान पान का पता कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि कौन आदमी किस कैटेगरी का है। आखिर दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक तो वे होते हैं जो कि खाने के लिए जिया करते हैं, और दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो कि जीने के लिए खाया करते हैं। पर तीसरे और संयमी और योगी लोग हुआ करते हैं जो जीने के लिए नहीं खाते, वरन अपने संयम की आराधना के लिए, अपने चरित्र की आराधना के लिए, अपने कर्मों को काटने के लिए वे भोजन का उपभोग किया करते हैं। एक होता है भोग, दूसरा होता है उपभोग, तीसरा होता है उपयोग। तो वो लोग तो भोजन का केवल उपयोग करते हैं कि शरीर को टिकाना है, चलाना है, तो भोजन करना हमारे लिए जरूरी है, इसलिए वो भोजन किया करते हैं। जानकार व्यक्ति तो भली भांति जानता है कि भाई कितना भी खाओ, सुबह तो निकालना ही होता है, तो व्यर्थ ही मैं अपनी जिह्वा इंद्रिय के वशीभूत होकर के क्यों 20 तरह के आइटम खाऊं और 20 तरह के आइटम लगाऊं। जो व्यक्ति रोटी सब्जी दाल चावल प्रेम से खाता है वो आदमी कभी बीमार नहीं पड़ता। ज्यादा माल खाने से कोई आदमी स्वस्थ नहीं होता, ज्यादा माल खाने से कोई आदमी थुल थुल तो हो सकता है, मोटा पाड़ा भैंसा तो हो सकता है, पर स्वस्थ नहीं हो सकता। स्वस्थ रहने के लिए तो आदमी को अपनी जिह्वा इंद्रिय पर कंट्रोल करना पड़ेगा, वश में करना पड़ेगा। तो हमारा यह शरीर किसी नौका की तरह है, हमें इस पार से उस पार लगाने में मददगार बनता है। नहीं तो इस काया बाईसा कोई ढोना भारी पड़ रहा है तो आत्मा की नैया को ढोना, उसको पार लगाना हमारे लिए कितना भारी काम हो जाएगा। तो आहार संयम, पहला संयम ही यही है। गौ माता की कहानी हमें बताती है कि जैसे गाय घास खाती है लेकिन बदले में फिर भी दूध लौटाया करती है, ज्ञानी व्यक्ति, संयमी व्यक्ति, संत व्यक्ति वही हुआ करता है जो कि